अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसा कि आज ईद है और इस दिन सब अपने घरों में शीर खोरमा बनाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ईद स्पेशल शीर खोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। और यहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसमें है 1 कप चीनी, जिसमें से मैं 6 या 7 चमचे चीनी डालूँगी। इसके बाद हैं थोड़े छुआरे हैं और थोड़ी किशमिश है, साबुत नारियल है और इसमें काजू और बादाम हैं और 4 अदद सफ़ेद इलायची। इसके अलावा 2 ऑलपर्स के पैकेट हैं। आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऑलपर्स दूध इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने खाली कढ़ाई में 1/2 किलो दूध इस्तेमाल किया है और यहाँ दूध हम खूब अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। जब हमारे दूध में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें सफ़ेद इलायची डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक हल्की आँच पर खूब पकाएँगे। अब यहाँ पे दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है तो मैं इसमें इलायची ऐड करूँगी और इसको 5 मिनट तक खूब पकाऊँगी ताकि इलायची की खुशबू हमारे दूध में मिक्स हो जाए। अब एक खाली पैन लेंगे और इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और हमारा घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 प्याली सेवइयाँ ऐड कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी सेवइयाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अब यहाँ पर हमारे दूध में बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें 6 से 7 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें छुआरे ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट तक उबालेंगे ताकि छुआरे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आप जितना चाहें कर सकते हैं और अपनी पसंद का भी ड्राई फ्रूट आप शीर खोरमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी हमने आपको ड्राई फ्रूट दिखाए थे इसमें से थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट हम शीर खोरमे में ऐड कर देंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अब लास्ट में हम इसमें अपनी फ्राई की हुई सेवइयाँ ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक इसको चलाएंगे ताकि हमारा शीर खोरमा गाढ़ा हो जाए और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा शीर खोरमा गाढ़ा हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और ये है हमारे शीर खोरमे का फाइनल लुक। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईद वाले दिन इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े का बनता है शीर खोरमा। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको ये मेरी शीर खोरमे की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।